आज हम लोग अपनी ज़िंदगी में बेशुमार काम अंजाम देते रहते हैं और उनको अहमियत भी देते हैं, उन पर वक्त भी लगाते हैं, उन पर मेहनत भी करते हैं, उन पर पैसा भी खर्च करते हैं, उन पर माल भी खर्च करते हैं और उनके पीछे भाग दौड़ करते हैं। लेकिन आज अगर हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा बेतवज्जोही और लापरवाही का जो काम जो अमल शिकार है वो हमारी नमाज है दोस्तों। हम हर काम के लिए अपना वक्त निकालते हैं, हर काम के लिए वक्त हम रिज़र्व करते हैं, लेकिन नमाज के लिए वक्त निकालना मुश्किल है दोस्तों। आज हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ हमारे ईमान का मेयार है, जो चीज़ हमारे इस्लाम का मेयार है, जो चीज़ हमारे मुसलमान होने का मेयार है, आज हम क्यों उसको नज़रअंदाज करते जा रहे हैं और नमाज को छोड़ने की वजह से, नमाज को नज़रअंदाज करने की वजह से सारी की सारी बुराइयां जन्म ले रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लोग जैसे आगे बढ़ते गए, नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती गई, तो उन्होंने सबसे पहला काम, सबसे बुरा काम जो उन्होंने पहले किया, अज़ाउस्सलाता, उन्होंने नमाज को ज़ाय करना शुरू कर दिया। जब आदमी नमाज को ज़ाय करना शुरू कर देता है तो खुद ब खुद उसमें सारी की सारी बुराइयां जन्म लेना शुरू कर देती हैं, सारी की सारी बुराइयां पलना शुरू कर देती हैं। हमें उसका एहसास भी नहीं होता है, हमें उसका शुरूर भी नहीं होता है, किस तरह बुराई हमारे अंदर आती है हमें उसका ख्याल भी नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशा, ये नमाज बुराइयों को रोकने वाली है। जब बुराइयों को रोकने वाली चीज ही ना हो तो बुराइयां आती जाएंगी। ये नमाज एक बुराइयों को रोकने के लिए एक डोर है। अगर किसी घर का डोर ना हो तो उस घर में चोर भी आ सकता है, उस घर में दरिंदा भी आ सकता है, उस घर में परिंदा भी आ सकता है, उस घर में चरिंदा भी आ सकता है और उस घर में कोई भी दाखिल हो सकता है, रोकने वाला नहीं। तो गोया एक घर का दरवाज़ा ना हो तो सारी की सारी बुराई आने का अंदेशा है दोस्तों और सारे के सारे नुकसान का खतरा है। जिस तरह हम अपने घर का डोर मजबूत रखते हैं, अपने घर का दरवाज़ा मजबूत रखते हैं, उसको लॉक करके रखते हैं, उसको अच्छे से अच्छा रखते हैं, वैसे हमारी नमाज भी अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। जितनी नमाज अच्छी होगी उतना ही डोर हमारा मजबूत होगा, डोर मजबूत होगा तो नुकसान के अंदेशे ख़त्म हो जाएंगे, नुकसान के अंदेशे ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।